आइसक्रीम तो आपने हजारों बार बनाई होगी, बट इस तरीके से मैंगो आइसक्रीम तो आपने आज तक नहीं ट्राई की होगी। इतनी डिलीशियस और इतनी मज़ेदार है ये कि इसे खाने के बाद आप मार्केट वाली आइसक्रीम लाना भूल ही जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। कोई व्हिपिंग क्रीम नहीं, कोई केमिकल नहीं, इसे हम बनाएंगे सिर्फ पके हुए आम से। इसे बनाने के लिए हमें किसी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, इसे हम बनाएंगे मिक्सी के जार में। तो चलिए बिना देर किए हुए मैंगो की ठंडी ठंडी आइसक्रीम को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हुए एक आम, ये बिल्कुल पका हुआ आम है और मीठा। तो यहाँ पे आपको आम का बहुत ही ध्यान देना होगा कि आम आप जो भी लेंगे वो पका हुआ होना चाहिए, मीठा होना चाहिए और रेसे वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आम को इस तरह से कट कर लिया। अब इन आम के हमें पल्प निकाल लेने हैं कट करके अच्छे से। तो यहाँ पे हमें आम के गूदों को इस तरीके से कट करके निकाल लेने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे हमने आम के गूदों को सब सारे निकाल लिए हैं एक कटोरी में। तो हमने यहाँ पे एक ही आम का इस्तेमाल किया है, आप ज़्यादा का भी कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ले लेना है एक मिक्सी का जार। अब यहाँ पे हमें डाल लेने हैं आम के कटे हुए पल्प को, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप के करीब मिल्क पाउडर। आपको यहाँ पे मिल्क पाउडर अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना होगा, अदरवाइज आप व्हिपिंग क्रीम का ही यूज़ करें, नहीं तो आपकी जो क्रीम है क्रिस्टलाइज हो जाएगी, क्रीमी नहीं बनेगी। मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच के करीब चीनी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं 2 कप के करीब दूध। तो दूध आप फुल फैट मिल्क का लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही क्रीमी आपकी आइसक्रीम बनेगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर आप फ्रूट क्रीम का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ इसके बिना भी आप बना सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम 2 चम्मच लिया हुआ है, ये 2 बड़े चम्मच के करीब है। अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो आप इसकी जगह पे, आप 2 कप की जगह पे दूध का इस्तेमाल 3 कप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बेस रेडी है ग्राइंड करने के लिए, तो चलिए इसे अच्छे से हम पीस लेते हैं। तो मिक्सी को हमें एक साथ नहीं चलाना है, हमें रुक रुक के चलाना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए एक में। देखिए यहाँ पे हमारा ये एकदम से स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अगर आपको इसमें रेसे लगे तो आप इसको छान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे बारीक से इसे पीस लिया है, तो इसे छानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिया है केक का टीन, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, घर का कोई भी बर्तन हो, कटोरी कटोरा जो भी हो आपके पास, उसे यूज़ करके आप उसी में जमा सकते हैं आइसक्रीम को। तो यहाँ पे मैंने केक टीन पे घी थोड़ा सा ग्रीस कर लिया। उसके बाद मैंने एक पतली सी पन्नी ली हुई है, उसे इस तरह से हमें लगा लेना। आप इसकी जगह पे चाहिए तो बटर पेपर का यूज़ कर सकते हैं या पतली पन्नी, कोई भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे आइसक्रीम के बेस को इस तरह से इसमें डाल देंगे, फैला देंगे अच्छे से, थोड़ा टैप कर देंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स ना रह जाएं। तो मैं इसे यहाँ पे कवर कर दूंगी एक पतली सी पन्नी से। तो मैं यहाँ पे घर की पन्नी से ही कवर कर रही हूँ, ऊपर से मैं लगा दूंगी रबर बैंड। अगर आपके पास फॉल पेपर हो एल्युमिनियम का तो उससे आप कवर कर सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह इसी तरह से पन्नी का यूज़ कर सकते हैं। अब इसे रख देंगे हम फ्रीजर में। तो फ्रीजर में मैं इसे 8 से 10 घंटे रखूँगी, आप चाहिए तो पूरी नाइट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रीजर में इसे रख दिया था, अब ये हो गया 8 से 10 घंटे। यहाँ पे देखिए हमारी जो क्रीमी क्रीमी सी आइसक्रीम है मैंगो की बनके तैयार है। तो इसे मैं निकालूंगी एक प्लेट में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक प्लेट, और इस तरह से इसे हम यहाँ इसमें पलट देंगे और पलट के थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि हमारी आइसक्रीम जो है वो पूरी तरह से निकल जाए। तो हमने जो पतली सी पन्नी लगाई थी उस पन्नी को इस तरह से निकाल देंगे। तो देखिए ये मैंगो की आइसक्रीम कितनी क्रीमी क्रीमी लग रही है ना, देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो इसे मैं थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी। तो मैं गार्निश कर रही हूँ यहाँ पे बादाम और पिस्ता से। यहाँ पे आप आपकी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे गार्निश कर सकते हैं, मैं सिर्फ ड्राई फ्रूट से कर रही हूँ पिस्ता और बादाम से। तो आप इसे भी कर सकते हैं या फिर इसके बिना भी आप इसे आइसक्रीम को सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारी मैंगो की क्रीमी क्रीमी सी आइसक्रीम बन के तैयार है, लग रही है ना आपको एकदम क्रीमी क्रीमी यमी यमी सी। तो कहा था ना मैंने आपको, आपने बहुत सारी आइसक्रीम ट्राई की होगी बट मैंगो की इस तरीके से नहीं ट्राई की होगी। तो आप एक बार ज़रूर इस तरीके से बना के ट्राई करिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से पीसेस कट कर लिया, बहुत ही अमेजिंग बनके तैयार हुई थी ये, बहुत ही डिलीशियस आइसक्रीम, मुंह में खाने में एकदम घुल जाने वाली आइसक्रीम है। तो बहुत ही इजी तरीके से हमने बनाई है मैंगो की आइसक्रीम, आप भी ट्राई करिए, घर में बनाइए, घर वालों को खिलाइए, और बहुत ही कम सामानों में बन जाने वाली ये आइसक्रीम है। तो घर पर आप बनाइए, एक बार बनाएंगे तो आप इसे हफ्ते भर खा सकते हैं। तो देखिए लग रही है ना एकदम क्रीमी क्रीमी सी हमारी मैंगो की आइसक्रीम, और देखते ही आ रहा ना मुंह में पानी, तो ये मुंह में घुल जाने वाली एकदम आइसक्रीम है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो इस तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।